श्री राधे, सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूँ। जितना शोध किया है उसके आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है इस जीवन में। और यदि कोई इंसान मेहनत करता है तो किसके लिए करता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कोई इंसान किसी को तवज्जो देगा तो सबसे पहले खुद को देगा। तो इसी ही चक्कर में हम अनेक तरीके की भ्रांतियाँ देखते हैं, सुनते हैं और करते भी हैं कि मछली का दर्शन करें या किसी भी विशेष वस्तु का दर्शन करें तो उसके दर्शन से दिन शुभ होता है, शुभ परिणाम मिलते हैं। तो ऐसा किस चीज़ का दर्शन शुभ होता है जिससे हमारा जीवन लक्ष्मीवान बन जाए, समृद्धि साली बन जाए, भाग्यशाली बन जाए? तो ऐसा कौन है, किसका दर्शन है जो आपको भाग्यशाली बनाता है? और इसके लिए हम काफ़ी चीज़ें भी हमारे बेडरूम में लगाते हैं ताकि उठें और उसका दर्शन करें और दिन और जीवन सौभाग्यशाली हो। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, भगवान ने सबसे खूबसूरत रचना मानव की है, इंसान की है। आप इंसान, कोई भी इंसान हो, अपने आप को कम नहीं आंकता किसी से भी। तो सर्वप्रथम एकमात्र दर्शन उस इंसान के खुद के हैं। यदि आप खुद का दर्शन करते हैं, यदि आप खुद का दर्शन करते हैं उठते के साथ, इसके बराबर कोई शुभ चीज हो ही नहीं सकती। हो सकता है किसी दूसरी चीज का, किसी दूसरे इंसान का दर्शन करें तो आपके विचार नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन खुद के दर्शन हमेशा शुभ ही फलदायक होते हैं। आप इस बात पर जरूर अमल करें और एक बार जरूर कोशिश करके देखें खुद के दर्शन करने की। दूसरी चीज, खुद के दर्शन करने का माध्यम शीशा होगा। उठें और उठकर शीशे में अपने दर्शन करें तो इससे दो फायदा है, एक तो खुद के दर्शन, दूसरा शीशे के दर्शन। दोनों दर्शन अमोघ होते हैं, विलक्षणकारी होते हैं, लक्ष्मीवान बनाते हैं, सुख समृद्धि हर तरीके से सकारात्मक होते हैं। राहु भी नकारात्मक चीज को और वास्तु दोष को तुरंत काटता है अगर शीशा हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जो ज्ञान दिया है आप लोगों को, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को मदद मिलेगी और आप इस पर अमल अवश्य करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो भी हताश हैं, निराश हैं और जो भी इधर उधर से कुछ लिया, सीखा, किया और फल नहीं मिला, उन लोगों को जरूर आप ये चीज़ शेयर करें ताकि वो फायदा उठाएं। इंसान के अंदर ही भगवान ने सब कुछ दिया है, समझने की ज़रूरत है। खुद का मनन करें, अध्ययन करें, सब कुछ आपके अंदर है। जब कण कण में भगवान है तो आपके अंदर भी भगवान है। उठें, आत्ममंथन करें और खुद का दर्शन करते हुए जरूर अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप इतना ही कर सकते थे, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? आप ये सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप पीछे किस कारण से हैं, बस उस पर अमल करिए, भगवान का ध्यान कीजिए इसके बाद में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा, इसके बाद किन चीज़ों का दर्शन, किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी
सुख समृद्धि और भाग्यवान हो। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आप उद्देश्य बनाइए फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर, जो भी आपके पास में है उस पर आप ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और जो भी आपके से बन पड़े लोगों की मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद करेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।